एनसीआर टी के एन सी आर टी में मैंने क्वेश्चन करा दिए सेवन पॉइंट वन के करा दें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन मैंने करा दिए आप लोगों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन वन टू थ्री एक्सरसाइज यानी कि सेवन पॉइंट वन सेवन पॉइंट टू सेवन पॉइंट थ्री सेवन पॉइंट फोर करा दिए हैं सभी क्वेश्चन अब आते हैं अदर क्वेश्चन उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन क्या है मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कहता है फाइन द वैल्यू ऑफ के यहाँ पे के की जगह पे के की जगह पे कोई भी कांस्टेंट नंबर पी ए सी जो भी नंबर देना चाहे देने दो उससे कोई मतलब नहीं होता है फिर कहेगा सच देट पॉइंट्स पॉइंट्स दे रखा होगा उसमें के या ए बी सी जो भी नंबर दिया होगा या एक्स वाई दिया होगा उनमें रिलेशन पूछेगा जो भी पूछता है तीन ट्रैंगल से दिए होंगे कहेगा ये क्या है हमारे पास कोलियर हैं को लीनियर होंगे तो सबसे पहले हमने बताया था को लीनियर होंगे तो ये एक ही लाइन पे होंगे को लीनियर होंगे तो इसका ट्रेंगल्स का एरिया जीरो होगा ट्रेंगल्स का एरिया जीरो होगा नॉट को लीनियर होगा तो ट्रेंगल्स का एरिया जीरो नहीं होगा उस पर क्वेश्चन नहीं लगेगा को लीनियर पर ट्रेंगल्स का एरिया जीरो होता है इसलिए हम लिखेंगे फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेंगल, ठीक है तो यहाँ पर लिखते हैं इसके दो मैथड बताता हूँ आप लोग कहते हैं सर अपना नहीं बुक वाला मैथड बताइए मैं बुक वाला मैथड बता रहा हूँ बुकेस में एन की बुक में कैसे क्वेश्चन लगाया गया है फिर मैं अपना बताता हूँ जो आसान लगे उससे लगाइएगा बुक में या पेपर में ये नहीं कहता बुक वाला मेथड करिए अपना मेथड करिए उसको उसको आंसर चाहिए केवल ओनली ओनली फॉर आंसर नॉट मेथड मेंशन में नहीं करता है क्वेश्चन करने में मेथड में का मेंशन नहीं होता इसलिए हम क्या करेंगे आप लोगों को बता रहे हैं कि आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए क्वेश्चन कैसे कैसे करते हैं ठीक तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे हम उसके पॉइंट्स ले लेते हैं पॉइंट्स क्या है सबसे पहले देखिए यहां पे हमारे पास आ जाता है सोलूशन सोलूशन लिखेंगे सोल्यूशन में क्या हो जाता है एक्स वन इक्वल टू वन एक्स टू इक्वल टू थ्री एक्स थ्री इक्वल टू माइनस वन एंड वाई वन इक्वल टू वन वाई टू इक्वल टू के वाई थ्री इक्वल टू फोर ये पॉइंट हो गए तो यहां पे हम क्या निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां पे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसे निकालेंगे तो ये क्या होता है यहां पे वन बाई टू फिर ब्रैकेट में वन बाई टू के साथ ब्रैकेट में फॉर्मूला क्या होता है मैं बता रहा हूं आसान सोई का सबसे पहले यहां पर यह लिखेंगे एक्स आपने लिख लिया एक्स वन लिख लिया तो जो हमारे पास नंबर वाई के साथ बचेगा वो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स थ्री एक्स टू फिर एक्स टू पे आ जाइए तो यहाँ पे वाई थ्री माइनस वाई वन आई समझ आएगा यहाँ पे इसको फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्स थ्री तो एक्स थ्री तो यहाँ पे क्या होगा एक्स वाई वन माइनस वाई टू ब्रैकेट क्लोज ये ये हमारे पास फार्मूला होता है ये बुकेस मेथड है बुक का फार्मूला है आप लोग चेक कर लीजिएगा यहाँ पे फिर हम इसको वैल्यू रख देते हैं वैल्यू रखने में बहुत आसान है यहाँ पे चलते हैं इधर ठीक है यहाँ से वन बाई टू वन बाई टू अभी यहाँ पर ट्रेंगल्स एरिया निकालना है अभी ट्रेंगल्स एरिया को होगा तो जीरो करेंगे ध्यान रखिएगा ट्रेंगल्स एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्रेंगल्स एरिया इक्वल टू जीरो को लिनियर होगा ट्रेंगल एरिया इक्वल टू जीरो करेंगे तो यहाँ पे जाएगा वन बाई टू ब्रैकेट में एक्स वन मल्टीप्लाई के माइनस फोर प्लस टू थ्री फिर देखिए थ्री मतलब फोर माइनस वन प्लस माइनस वन ब्रैकेट में क्या है वन माइनस के ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू जीरो ये हो गया हमारे पास कोलिनियर पर पर आगे यहाँ पे कोलिनियर के लिए जीरो कर दिया अब देखिए मल्टीप्लाई करना है इसको टू को उधर भेज देते हैं तो जीरो हो जाएगा ऑलरेडी तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे अच्छा पर बन जा रहा है के माइनस फोर के माइनस फोर प्लस यहाँ पे थ्री 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 या नाइन प्लस का इसमें देखिए ये माइनस का वन कर देते हैं यहाँ पे माइनस का वन हो जाएगा ये माइनस का ब्रैकेट में वन माइनस के इक्वल टू जीरो आई होप समझ में आया होगा था। ठीक है अब यहाँ पे क्या करेंगे ये हो गया अब यहां पे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई यहाँ पे के माइनस फोर प्लस नाइन माइनस वन प्लस के इक्वल टू जीरो अब यहाँ पे क्या करेंगे इस के को इस K के साथ प्लस कर देंगे टू के अब देखिए ये फाइव ये फाइव हो जाएगा यहाँ पे लिख दो माइनस का फाइव प्लस का नाइन नाइन इक्वल टू जीरो इसमें से टू के प्लस का फोर इक्वल टू जीरो इसलिए टू के इक्वल टू माइनस फोर के इक्वल टू फोर पॉइंट टू के इक्वल टू माइनस का टू आंसर के इक्वल टू माइनस का टू आंसर आ गया के इक्वल टू माइनस का टू आंसर आ गया आप लोग चेक कर सकते हैं माइनस टू के आंसर के इक्वल टू आंसर आ गया फर्स्ट मेथड ठीक है फर्स्ट मेथड है यहां पे सेकंड मेथड में क्या करते हैं सेकंड मेथड पे करता हूं। बहुत आसान क्वेश्चन सेकंड मेथड में सेकंड सेकंड मेथड में क्या करना है आपको ये तो लिखना है यहां पे क्या लिखेंगे एरिया ऑफ तो लिखना ही लिखना है यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू इक्वल लिखेंगे तो इक्वल यहां पे आ जाते हैं इक्वल यहाँ से लगा लेते हैं इसके लिए वन बाई टू ब्रैकेट में देखिये वन बाई टू ब्रैकेट में यहाँ पे आपको लिखना है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स वन रिपीट एक्स वन एक्स टू एक्स वन एक्स थ्री फिर यहाँ पे वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई वन आई होप समझ में आया होगा हम इसमें यहाँ पे नंबर लिखे यहाँ पे ऐसे लिटा के लिखना है बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है फिर मल्टीप्लाई करेंगे देखिए इसकी इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे x1 y2 फिर प्लस सेकेंड यहाँ पे x2 x y3 प्लस x3 y1 ब्रैकेट क्लोज फिर माइनस का उठाते हैं माइनस के ये अब यहाँ पे इसके साथ ब्रैकेट में y1 x2 y2 एक्स थ्री प्लस वाई थ्री एक्स वन ब्रैकेट वन ये ठीक है अब यदि को लीनियर है कोलिनियर होते ही हमारे पास ये इसे हेल्प पॉइंट ठीक है कोलिनियर होते ही हमारे पास इधर आ जाइए यहाँ पे ठीक है यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ ठीक है यहाँ से सॉल्व कर रहा देखिए इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे बराबर तो ये वन बाई टू तो रहेगा ही वन बाई टू रहेगा अब क्या करते हैं यहाँ पे पॉइंट लिख देते हैं पॉइंट हमने लिखा यहाँ पे वन वन अरे वाई एक्स वन वाई वन फिर यहाँ पे थ्री के फिर माइनस वन फोर फिर वन वन रिपीट किया मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा के देखिए बहुत आसान क्वेश्चन से समझिएगा आसानी से नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी कई क्वेश्चन आते हैं इस पर से कुछ भी आए इस मेथड पे लगाइए जो मेथड आपको आसान लगे उस पे लगाइए ठीक मैं बता रहा हूँ इस मेथड को इस नंबर की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे के हो गया इस नंबर की इसके साथ यहाँ पे प्लस का ट्वेल्व हुआ इसके साथ माइनस का वन ब्रैकेट वन माइनस सेकेंड ब्रैकेट ठीक है अब नीचे से ऊपर की ओर प्लस का थ्री इसकी इसके साथ माइनस का के इसके इसके साथ प्लस का फोर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू जीरो जीरो इसलिए कर दिया कि कोलिनियर है जीरो इसलिए कर दिया कि कोलिनियर है अगले आगे आते हैं आगे हमारे पास आ रहा है वन बाई टू को उधर भेज दिया तो टू वन बाई टू जीरो के साथ मल्टीप्लाई होते हैं जीरो गायब हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे वन बाई टू गायब हो जाएगा जीरो रह जाएगा जीरो जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचा देखिए इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास आया के प्लस इलेवन के प्लस इलेवन आ गया फिर यहाँ पे माइनस है इसको थोड़ा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं देखिए माइनस ब्रैकेट में यहाँ पे प्लस है ये प्लस तो यहाँ पे सेवन माइनस के ये आ जाएगा तो यहाँ पे देखिए माइनस को ओपन करते ही तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का सेवन ये माइनस का प्लस का है देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए ये माइनस का सेवन प्लस का के इक्वल टू जीरो आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चंस नहीं आए इस वाले को हमने यहाँ पे लिखा है इसको यहाँ पे नहीं लिखा ध्यान दीजिएगा ठीक है तो यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोग कह रहे हैं तो यहाँ पे मैंने इसको लिखा देखो k माइनस प्लस इलेवन ठीक है ये ब्रैकेट में ठीक है ये ब्रैकेट में बड़ा ब्रैकेट लो ठीक है अब इसके नीचे ये हो गया अब यहाँ पे क्या हो जाता है k को k के, के साथ प्लस किया तो हो गया टू के इसमें से इसको माइनस किया प्लस फोर बचेगा जीरो तो यहाँ पे टू के इक्वल टू माइनस का टू फोर माइनस का फोर इसलिए के इक्वल टू फोर अपॉन माइनस कार टू इसलिए के इक्वल टू माइनस टू आई होप समझ में आया दोनों मेथड में बताया जो आसान लगे इस मेथड में इस मेथड में जो आसान लगे करिएगा क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चंस ये क्वेश्चंस दो नंबर में बहुत बार पूछा जाता है एक नंबर में टिक लगाने का पूछा जाएगा आपको देखिएगा बहुत आसान क्वेश्चन है कई बार करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं लेके आ रहा हूँ नया क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है धन्यवाद